नमस्कार, मेरा नाम है प्रीति। मेरा नाम है प्रीति सिंह। मेरा नाम है तो आज हम लाए एंग्री प्रास की एक और वीडियो। अखंड भूतिया पा, अखंड चूतिया पा होता है ना, सॉरी बड़ा हरामी हो बेटा। कुछ नहीं कर सकते इसका। लगा रही है 1 2 3 गो। भाई बहुत बोर हो रहा है, चलो कोई मूवी देखते। कौन सा मूवी? भौजी की लहंगा में भूत। क्या? ये देखो ये वाला। अबे ये तो कंजूरिंग है भाई, भोजपुरी डब है। नहीं नहीं, हॉरर मूवी नहीं देखनी मेरे को, बंद कर। सीधा सीधा बोलना, फटती है? नहीं फटती, उदास हो जाती इतना सारा चुदाप देख के। भाई ऐसा क्यों? बताता हूँ, तू इंट्रो चला। एक तो ये हॉरर मूवीज के दरवाजों का कोई ऑयलिंग कराओ पहले, पूरा टाइम बकरे की तरह। दरवाजे कुछ ज्यादा ही पसंद है भूत लोगों को, जब भी कोई अंदर आता है तो पीछे से मार देता है। क्या दरवाजा ऑटोमेटिक दरवाजे बंद हो जाते हैं, खिड़कियां बंद हो जाती है, टीवी के चैनल चेंज हो जाते हैं, लाइट बंद चालू हो जाती है। साला भूत है आयरन मैन का जार्विस। सालों को कंबल खींचने का बड़ा शौक है। कल से काम वाली बंद, भूत ही करेंगे सारा काम। उठने के बाद बेडरूम साफ करेगा, वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल देगा, फ्रिज में पानी की बोतलें भर के रख देगा, मेरी बिल्ली की टट्टी साफ करेगा और अपन देखेगा टीवी पे सूर्य वंशम। मिलेगी आपको एक खाली पुरानी हवेली और उसका लालटेन वाला चौकीदार, जो सालों से वहाँ पे किसकी चौकीदारी कर रहा है पता नहीं। फिर वहाँ पे इनोवा लेके आएंगे 6 वंडरलस्ट के चौदे, जिनको उसी पुरानी 2500 वाली हवेली में रुकना है, क्योंकि पैसा तो सारा दारू पीने में खर्चा हो गया। फिर उसमें से एक पापा की परी हवेली को देख के बोलेगी, यू हाउ पथेटिक, तो भोपाली के ओयो रूम कर लेना। फिर उन्हें मिलेगा वो लालटेन वाला चौकीदार, जो उन्हें बोलेगा यहाँ सालों से कोई नहीं आया। फिर अपने 6 बलि के बकरे हवेली को ताजमहल समझ के घुस जाएंगे। इनको पता है हवेली भूतिया है, लेकिन अपना डायरेक्टर तो चूतिया है। एक हॉरर मूवी के बीच में अचानक चुम्मा चाटी शुरू हो जाती है इनकी। एक तो पहले ही डर के मारे रोंगटे खड़े हैं, फिर अचानक नुन्नू खड़ा हो जाता है, फिर पीछे से भूत आ जाता है और दोनों को मार देता है। उस दिन से मेरे नुन्नू ने मेरे इमोशन पे भरोसा करना ही छोड़ दिया है। फिर उन 6 नमूने में से जब 4 टपक जाते हैं, तब जाके अपना चौकीदार आएगा और बोलेगा यहाँ पे भूत है। इसको पहले से सब पता होता है, फिर भी भड़वा बताएगा नहीं, क्योंकि 2500 जो कमाने, साला पता नहीं इसने 2500 के चक्कर में कितने सारे वंडरलस्ट के पंछियों की कबर खोदी होगी। कम से कम 2.5 लाख भूत घूम रहे होंगे उस हवेली में। इन शॉर्ट, उस चौकीदार ने बोला आओ मेरी हवेली पे, हवेली में हर लौंडा लाइन मारेगा अपनी सहेली पे, लेकिन सहेली तो निकली भूत, लौंडे का निकल गया मूत। और लौंडे ने चौकीदार को बोला, मैंने देखा ये हॉरर मूवीज के कैरेक्टर रियल लाइफ से कोसों दूर होते। क्यों भाई? एक बात बता, अगर तेरे घर में आग लगी है तो तू घर में बैठ के टीवी देखेगा या घर से बाहर भागेगा? घर से बाहर भागूंगा। लेकिन पिक्चर में तो उसका उल्टा होता है, पता है घर में भूत है लेकिन उसी घर में रहना है, और साथ में नहीं अलग अलग कमरे में सोना है। फिर एक खुफिया कमरे से किसी की रोने की आवाज आती है, यहाँ हमारी हीरोइन की फट गई है लेकिन किसी को उठा के बताएगी नहीं, खुद ही गणेश गायतोंडे बन के उसी अंधेरे कमरे में जाती है, कोई दिख नहीं रहा है लेकिन भोपाड़ी की भागेगी नहीं उधर से और चिल्लाएगी कौन है कौन है, जैसे इसको भूत आके जवाब देने वाला है, मैं कमलनाथ शर्मा आपको डराने आया हूँ भू। और इनके भी 2 कदम आगे हॉलीवुड वाले, पता नहीं कौन सा वाला नशा करके मूवीज बनाते हैं। खुद अलग कमरे में सोएंगे, बेचारे बच्चे को अलग कमरे में सुलाएंगे, फिर आपको पता है कि बच्चे के कमरे में भूत है, फिर भी बच्चे को उसी कमरे में सुला के वहाँ पे वीडियो कैमरा लगा के रिकॉर्ड करेंगे, फिर नीचे बैठ के टीवी पे आराम से देखेंगे कि भूत पहले बच्चे का सर खाएगा या पैर। ऐसे बेगैरत माता पिताओं को देखने के बाद मुझे बेलन से मारने वाली मेरी माँ मदर टेरेसा लगने लगी है। इतनी हरामखोर, अबे भूतों को छोड़ बच्चे का सोच, चुड़ैल औरत। रुको, मैं नन हूँ, मुझे आता है चुड़ैल को भगाना। यू फकिंग डॉटर ऑफ चुड़ैल साली। माँ जी आप छोड़िए, शायद हिंदू चुड़ैल होगी, मैं देखता हूँ। ये हरामखोर भाई साहब शायद नास्तिक होगी, मैं निकालता हूँ। अमीरी बहुत पसंद है भूतों को। कभी किसी गरीब के घर के बेड के नीचे भूत छुपा देखा है? कैसे दिखेगा, उसके नीचे जगह थोड़ी होती है, वहाँ तो आपको सिर्फ सब्जी तरकारी मिलेगी, सूखे हुए पापड़ मिलेंगे। भूतों का भी एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है भाई। भाई ज़ॉम्बीज के बारे में आपका क्या कहना है? उनसे बड़े चोदू लोग देखे नहीं मैंने, वो नेटवर्क मार्केटिंग वाले मरने के बाद ज़ॉम्बी बन जाते। पहले 3 लोगों को काटो, फिर वो 3 लोग और 3 लोगों को काटेंगे, चाहे जिंदा हो या मुर्दा, काटने के अलावा कोई और काम धंधा नहीं होता इन लोगों के पास। और भाई वैम्पायर? अबे वैम्पायर और इंसान में क्या फर्क बचा है बे? दोनों दूसरे इंसान का खून चूसते हैं, और वैसे भी ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में आजकल दोनों धूप की गर्मी के वजह से मर जाते। भाई मेरे चाचा को एक दिन सुनसान रास्ते पे एक भूत ने रोक के बीड़ी मांगी थी। अबे देश के हर चाचा को कभी ना कभी किसी भूत ने बीड़ी मांगी होती है। ये भूत और कोई नहीं, अपना मुकेश है, जो पिक्चर से पहले आता है। बेचारा मरने के बाद भी लोगों को धूम्रपान से बचाता रहता है। नागू भाई आपके साथ कोई भूत का किस्सा हुआ था?
हुआ तो था, लेकिन मेरा किस्सा सुन के इंसान नहीं भूत डर जाते हैं। ऐसा क्या हुआ था? एक दिन खिड़की से देखा तो रास्ते पे कोई नहीं था, फिर रास्ते पे जाके देखा तो खिड़की पे कोई नहीं था, फिर खिड़की से देखा तो रास्ते पे खड़ा था भूत, फिर रास्ते पे जाके मैंने मार दी उसकी खोपड़ी में बॉटल। इस किस्से का तो क्लाइमैक्स सुनने से पहले ही भूतों को मुक्ति मिल जाती होगी। खत्म हो गई, तुम लोग रुको, मैं नाके से संतरे का बॉटल लेके आता हूँ। अबे रुक, नो ड्रिंकिंग एंड ड्राइव, हम आते तेरे साथ। भाई वो कौन है? देसी पीयू, थर्रा पीयू, पीयू बैठ के ताड़ी। Who is this hot chicken सफेद साड़ी? भाई मुझे लगता है चुड़ैल है। तू डर मत, चढ़ा दे। इंसान होगी तो रास्ते से उतर जाएगी, भूत होगी तो कौन सी मर जाएगी। पॉइंट तो है, लगता है भाग गई। भाई पीछे देखो। चल OTP बता। ये बार बार तुम भूत लोग लिफ्ट क्यों मांगते हो बे? मैं उड़ना चाहती हूँ, दौड़ना चाहती हूँ, लेकिन रुकना नहीं चाहती। झूठ बोल रही है साली, इसकी तंगड़ी उल्टी है इसलिए किधर जा नहीं सकती और दूसरों को लिफ्ट मांगती रहती है। एक काम कर, गाड़ी साइड में रोक, इसकी समस्या हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। हाँ भाई। ए क्या कर रहे हो, ए क्या कर रहे हो, ए किधर लेके जा रहे हो? तुम दोनों इसके हाथ पकड़ो, मैं इसकी तंगड़ी घुमाता हूँ। ऐसा मत करो, मेरी भूत बिरादरी वाले मेरे को निकाल देंगे। ऐसा मत करो। पकड़ उसको ठीक से पकड़। ए नहीं, ए नहीं, बचाओ मेरे को, बचाओ। अभी हो जाएंगे तेरे पैर सीधे। ये ले। नागू, इसकी डिक्की तो आगे आ गई बे, निकलो यहाँ से। अरे ये क्या कर दिया बे? अबे ठीक करो मेरे को। भागो भागो। So, hey guys, अगर आप चाहते हो कि आपके बेड के नीचे भूत ना मिले तो वीडियो को लाइक ठोको, और अगर आप चाहते हो कि कोई आपकी रात में कंबल ना खींचे तो चैनल को सब्सक्राइब ठोको। मैं आपको फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा। अगर आप चाहते तो आपके में ऐसी आवाजें ना आए तो शेयर, लाइक और कमेंट्स, वो भी बहुत सारे घर में पहुंचा प्यारे वाले तुम। हां, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, वरना ये भूत निकल के आपके घर आ जाएगा, देख लेना। इसकी आवाज कभी रात को सुनो। इसकी ये चुड़ैल से कम नहीं लगती रात में तो पंगा। मेरी चार पांच तरीके की हंसी है, कोई किसी को भी डरा सकती है। खुला नहीं मिल जाए, नहीं पागल है। ऐसे कैसे निकलता है? पहले ही निकलता है। ओए दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर देना।